तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लोग कह रहे थे कि जावा के बैटरी के टर्मिनल ढीले हैं, तो अब मैं उनका मुंह बंद कर देता हूं जरा जो ये बात बोल रहे थे। तो सबसे पहले एक बार मैं चाबी ऑन करके, और ये रही बैटरी, ठीक है। अब देख लो ये टर्मिनल, ठीक है। बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो क्या बोल रहे हैं। अब एक बार सेल्फ लेना जरा, हो गया काम, फिर से ले लो। नहीं ले रही ना, तो ये ऐसा नहीं है कि ये बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है, ये बैटरी इसमें एक बार नई डाल दी गई है। अगर ना देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नट बोल्ट खोलने के निशान यहाँ पे नज़र आएंगे। जिस दिन ये गाड़ी ली थी उसी दिन इसमें बैटरी नई डाल दी। उसके बाद देखिए 50 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, मतलब 30 किलोमीटर और चलाती है नई बैटरी लगाने के बाद भी, और प्रॉब्लम दोबारा से चालू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं या तो फिर अल्टरनेटर के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर समझ जाओ ये गाड़ी। और जहाँ तक बात रही कि भैया बुलेट का काम कर ले तो बुलेट बना सकता है, जावा नहीं बना सकता, तो इंसान के हुनर की तुलना किसी चीज़ से मत करो, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है ये मेरे से अच्छा शायरी तुम जैसे। तो एक बार दोबारा से आपको दिखा देते हैं। इग्निशन ऑफ किया, ऑन किया, एक बार आइए दोबारा क्लच दबा के सेल्फ लीजिए, बस। तो किल मिला के गाड़ी हम अच्छा, दूसरी बात की एक गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आई, हर गाड़ी में थोड़ी ना आएगी, ठीक है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब मुझे जरा ये बताओ भैया, मैंने जो गाड़ी ली है मेरे साथ ही क्यों प्रॉब्लम आई, इसका मतलब बताइए जरा, मैं क्या करूँ, मुझे तो वीडियो बनाना बनती है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई थी दोबारा से कि जावा मेरी नज़र में तो फ्लॉप हो गई है, एक नंबर की फ्लॉप। अच्छा, अब जब बात चल रही है बुराई की, तो मैं ज़रा अच्छे से समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बुराई प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से चालू हो रही है। जब भी हम गाड़ी का साइड स्टैंड ले रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड में टिल कर रहे हैं गाड़ी चलाते समय, अगर हम टर्न ले रहे हैं लेफ्ट साइड का, तो साइड स्टैंड टकरा जा रहा है। अब गाड़ी को एक बार सीधा करके पकड़ेंगे आप, उसके पीछे आप खुद देख सकते हैं कि क्या रीज़न है। ये जो पत्ती है मेरे ख्याल से यही वो रीज़न है जिसकी वजह से टकरा रही है। मतलब बिल्कुल सीधे चलानी है, ये नहीं कि आप जरा सा भी स्पोर्टी लुक में चला सकते हैं गाड़ी को। आप लोगों को लगेगा कि यार चलो मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। अब देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके का एक नट बोल्ट होना चाहिए था, अब ये तो मैंने खोला नहीं होगा। और इस गाड़ी की मैं अच्छे से R&D कर दूँ ना, तो मेरे ख्याल से 1000 कमियाँ बहुत होंगी बताने के लिए कि गाड़ी के अंदर कितनी कमियाँ हैं, क्या कमी है। अब लोग पैसा खा के तो अच्छी तारीफ करेंगे, अपना काम है बताना। हमने तो बता दिया भैया कि गाड़ी आपके लायक नहीं है ये।